नमस्कार श्रोताओं, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, मेरे प्यारे दर्शक, मेरे प्यारे भक्तगण, कुछ लोगों की समस्या मैंने उसका समाधान निकाला है। कुछ लोगों के मेरे एक चैनल पे कमेंट आ रहे थे कि भाई साहब मेरी दुकान नहीं चल रही है, पहले बहुत अच्छी चलती थी, प्रतिदिन कस्टमर आते थे, लेकिन अब नहीं चल रही है, बताओ कोई उपाय हो आपकी नज़र में तो मुझे बताइए। मैंने सोचा, मैंने काफ़ी बुजुर्गों का काफ़ी ग्रंथों में तलाशा और सोचा, मैंने सोचा आप लोगों को ये उपाय बताना चाहिए। बात की जाए, जैसे दुकान हो या घर हो, कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है जिसके ऊपर कुछ शक्तियाँ आ जाती हैं, जिसे नकारात्मक शक्तियाँ कहते हैं, वो प्रवेश कर जाती हैं घर हो या दुकान हो। कुछ लोगों की हाय लग जाती है, नज़र लग जाती है, दुकान ज़्यादा चलती है तब लोग नज़र मार देते हैं, हाय लग जाती है जिससे लोगों को ईर्ष्या होने लगती है, लोग एक दूसरे से जलने लगते हैं, यही कारण है। इसीलिए नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और बुरी बुरी शक्तियां आ जाती हैं, इसलिए दुकान आपकी चलना बंद हो जाएगी। दुकान पे जहां 500 कस्टमर आते हैं तो दिन भर में एक भी कस्टमर नहीं आएगा, एक दो आएगा, पूरे ही दिन आप बैठे रहोगे, मक्खी ढुलाते बैठे रहोगे, आप सोचोगे क्या हो गया, जहां दुकान रोज चलती थी आज क्यों नहीं चलती है। इसके लिए आपको मैं कारण बताऊंगा, उपाय बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। अगर आपकी दुकान चल नहीं रही हो, आपको कोई परेशानी हो, तो आप क्या करें, आपको बहुत छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूँ कि कपूर लें और एक प्लेट पे रखें और कपूर को जलाएं। आप गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 4 बार आप कपूर को जलाइए, प्रतिदिन नहा धो के स्वच्छ होकर, और कपूर का जो धुआं होता है वो पूरी दुकान या घर में लगाइए, जिससे आपकी नकारात्मक जो ऊर्जा होगी वो दूर होगी और जो बुरी शक्तियाँ होंगी वो धीरे धीरे अदृश्य हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। फिर देखना आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेगी, जिससे आपको कोई भी आपके दिमाग में नकारात्मक ऊर्जा नहीं उत्पन्न होगी, हमेशा अच्छा सोचोगे आप। कपूर जलाने के बहुत फायदे, आपको अच्छा लगेगा, कपूर जलाते हुए उसकी खुशबू से ही ये बुरी आत्माओं की शक्ति दूर हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी।